नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, आप सभी से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप सभी को पता है कि 8 मार्च यानी आज के दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। इस दिन महिलाओं के सम्मान में कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाती है। इस दिन जितने भी महिलाएं हैं जो अपने ज़िंदगी में कुछ नए काम करके जा चुकी हैं, जो अपने ज़िंदगी में कुछ नया करना चाहती हैं, उनके विषय पर हर जगह कहीं न कहीं गोष्ठी लगा करके उनके बारे में चर्चा की जाती है और उनके सुधार के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कई तरह के विषय पर चर्चा की जाती है। तो क्या आपको पता है कि महिलाओं के सम्मान के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस केवल 8 मार्च को ही क्यों रखा गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं के सम्मान और अधिकार के प्रति लोगों को जागरूक करना है। बात सन 1990 की है, जब अमेरिका में पहली बार एक समाजवादी राजनीतिक पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजित कर महिला दिवस मनाया जाने का प्रस्ताव पारित किया। सुंदर घर दीवारों और साज सामान से नहीं बनता, बल्कि घर औरत से मुकल्लम बनता है। महिलाएं घर का परिवार का अहम हिस्सा होती है। लड़की माँ बाप के घर में बेटी बनकर पैदा लेती है तो घर की रौनक बनती है। पति के घर जाती है तो उसकी ज़िंदगी और उसके घर को रोशन करती है। जिस घर में औरत का वास नहीं है, वो घर बेहद सूना और खालीपन से भरा होता है। हर लड़की माँ, बहन और बेटी के रूप में पहले अपने बाप के घर की रौनक बनती है, फिर अपने पति की घर की रौनक बनती है। महिलाएं समाज और घर का अहम हिस्सा है, इसलिए उनका सम्मान जरूरी है। आइए जानते हैं महिला दिवस मनाने का कारण क्या है। सन 1908 में एक मजदूर आंदोलन के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की शुरुआत हुई थी। महिलाओं ने न्यूयॉर्क में उनकी नौकरी के घंटे कम करने और साथ ही उनका वेतन बढ़ाने के लिए मांग रखी थी। महिलाओं की हड़ताल इनके कामयाब रही। वहाँ के सम्राट निकोलस को पद छोड़ना पड़ा और अंतरिम सरकार ने महिलाओं का मतदान का अधिकार दे दिया। महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता मिली और एक साल बाद ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया। इसके बाद से इस दिन को मनाने की शुरुआत थी। साल 1917 में पहले विश्व युद्ध के दौरान 28 फरवरी को रूसी महिलाओं ने ब्रेंड पीस यानी खाना और शांति की मांग की थी। यही नहीं, हड़ताल के दौरान उन्होंने अपने पतियों की मांग का प्रदर्शन करने से भी मना कर दिया था और इन्हें खुद ने युद्ध को छोड़ने के लिए राजी भी कराया था। ग्रेगरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था। उसी दिन के बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ही मनाया जाने लगा। कई देशों में इस दिन महिलाओं के सम्मान में छुट्टी की जाती है, कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और इस दिन महिला और पुरुष दोनों एक साथ मिल करके महिला दिवस मनाने का काम करते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो आप देख रहे थे सत्या एक्सप्रेस, मैं हूं सत्यानंद स्वामी।